बाकी यदि आप बिजनेस के जो बिजनेस में 10 साइकिल होते हैं, हमारी लाइफ में भी वैसे 10 साइकिल होते हैं, तो ऐसे कि जब जो बिजनेस के 10 साइकिल में आपने पता करना है कि मैं कौन सी साइकिल में, सबसे पहले उसको जाने से पहले मैं आपके साथ ये पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि यदि आप किस साइकिल में है, आपने कौन से एरिया में इसेंशियल फोकस करना है, कहाँ पर बहुत जरूरी फोकस करना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस का गोल क्या है। यू मस्ट नो कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है कि उसका क्या गोल है, व्हाट्स द फोकस एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, कहाँ पे बिजनेस लेके जाना है, आपको आउटकम पता होना चाहिए। तो दूसरा आपका मैनेजमेंट स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, कि आपका मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, हु इज़ द स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग, आपके बिजनेस में कौन डिसीजन मेकिंग की जॉब नहीं कह सकती, कौन आपके बिजनेस में कौन डिसीजन बनाता है, और यदि आपके बिजनेस में कोई चीज़ गलत डिसीजन होता है, सही डिसीजन होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। यू हैव टू यू मस्ट नो दिस। तो तीसरा ग्रोथ और डिक्लाइन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, जो आपका बिजनेस है, व्हाट इज योर कैश पोजीशन, आपके पास कितना पैसा है, कैश पोजीशन आपकी कैसी, यू मस्ट नो दिस। हाउ मच आर यू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, को जैसा कि जो आपके पास रेवेन्यू कितना आता है, प्रॉफिट कितना आता है, यू मस्ट नो। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम कैसी है, टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, एट ईच लाइफ साइकिल यू हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जैसे जैसे आपका बिजनेस का साइकिल चेंज होता जाएगा, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम भी चेंज होती जाएगी। यू मस्ट नो कि इस साइकिल में तो मेरी कौन सी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो दूसरा आपने है कि आपका टाइप ऑफ रिवॉर्ड, कि यदि आप बिजनेस में सक्सेस अचीव करते हैं, आपने अपने स्टाफ को कौन सा रिवॉर्ड देते हैं, आप अपने आप को कौन सा रिवॉर्ड देते हैं, अपनी टीम को कैसे, उनको उन्होंने जो टारगेट हेड किया तो आप उनको क्या ट्रेनिंग अच्छी देते हैं, उनको हॉलीडे, जो भी आप उनको क्या रिवॉर्ड देते हैं। तो 5 गोल आपको पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस का गोल क्या है। दूसरा आपका मैनेजमेंट स्टाइल एंड आपका स्ट्रक्चर क्या है। तीसरा कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, रेवेन्यू कितना आता है, प्रॉफिट कितना, कौन टाइप हमारे बिजनेस में कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे आपका लाइफ साइकिल चेंज होता जाएगा, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम भी चेंज होती जाएंगी और आपका रेवेन्यू भी चेंज होते जाएगा। जो बिजनेस में 10 स्टेज आती हैं, तो उसमें हम सब पहले आपको मैं बताऊंगी कि वो 10 स्टेज क्या होती है। सबसे पहले हमारे बिजनेस का बर्थ होता है, जैसे हमारी लाइफ में भी हमारा बर्थ होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें द मोमेंट यू टेक ऑन रिस्क, तो जो हम आपके नया बिजनेस शुरू करते हैं, सभी से रिसर्च करके, सभी से बात करके, जो हम रिसर्च कर सकते उससे स्टार्ट करके कि हाँ मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, दिस इज योर ऑन रिस्क। तो उसमें क्या होगा कि सबसे इस बिजनेस में जब आपका बर्थ होता है, सबसे कि हमारी नीड्स फुलफिल होने चाहिए, उसमें क्या मैनेज योर सेल्फ, हम अपने आप को मैनेज करते हैं, अपनी नीड को फुलफिल करते हैं, उसके ऊपर आप काम करना शुरू करते हैं। तो दूसरा हमारे स्टेज आ जाती है, स्टेज हम थोड़े क्रोल करने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम थोड़े सर्वाइव होते हैं, हम पर्सन भी हमारी पहले हम ये प्लान करते हैं, हम घर से बिजनेस शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल, फिर हम हायर पर्सन करते हैं तो जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करे, हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। तो जी आपके देखना कि आप जिस स्टेज में आप क्या क्या, मैं आपको दो मिनट आपको बताती हूँ कि जैसे हमारी बुक है इसके ऊपर मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे इसमें आता है कि आपका जी बर्थ है, कि बर्थ में आप क्या क्या लेंगे, इस बुक में लिखा हुआ है कि जब आपका बर्थ करते हैं तो आप अपना बिजनेस खुद अपने पर्सनल रिस्क पे स्टार्ट करते हैं कि हाँ मेरे पास इतनी सेविंग है, मैंने लोन लिया कि बिजनेस चला तो ठीक है जी फास्ट हो गया। तो स्टेज ऑफ अनसर्टनटी होती है, इसमें थोड़ा अनसर्टनटी होती है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पर क्या होता है, जब थोड़ी देर के लिए आपका बिजनेस चलने लगता है तो आप क्या होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है, इस बिजनेस में आप सर्वाइव करते हैं, आप पर्सन को हायर करते हैं जो आपके फॉर आप लीडर को हायर करते हैं, जो आपकी मार्केटिंग करते हैं आप उनको हायर करते हैं, जो आपको नीड चाहिए उस बिजनेस में। तो क्या होता है, तो आपका गोल इसमें क्या गोल होता है, टू ग्रो एंड सर्वाइव, कि मैंने ग्रो होना है और मैंने मार्केट में सर्वाइव करना है, तो आप इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो इस बुक में मैंने बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन किया है, एट द स्टेज यू आर आर्मी ऑफ वन, इसमें जब आप सेकेंड स्टेज पे होते हैं तो आप खुद ही सब कुछ हैंडल करते हैं, खुद ही सभी को ऑब्जर्व करते हैं। तो ग्रोथ एंड डिक्लाइन, इसमें क्या होता है कि जो आपका रेवेन्यू होता है वो ज़्यादा, आपका जो प्रॉफिट बहुत कम होता है, आपके एक्सपेंसिस ज़्यादा होते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, इसमें कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें जो आपका सिस्टम है अभी उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं आई उसमें बिजनेस, क्योंकि वो अभी वो बिल्ड करें। तो रिवॉर्ड क्या होती है, इसमें बहुत लिटिल रिवॉर्ड होता है कि आप
कि बहुत रिवॉर्ड कम होता है कि आप अपने स्टाफ को इंस्पायर करते हैं कि आप उनकी सैलरी अभी इतनी नहीं दे सकते क्योंकि वो अभी सेकेंड लेवल पे। उससे क्या होता है कि हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो हम नंबर तीन पे आ जाते हैं, दिस इज़ अ टॉडलर, टॉडलर की स्पेस नंबर थ्री पे हम आ जाते हैं, हमारा जो बिजनेस साइकिल है वो नंबर थ्री पे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ व्हाट अनसर्टेंटी एंड सर्टेंटी, इसमें अनसर्टेंटी भी आ जाती है और उसमें सर्टेंटी, और थोड़े से हमें कॉन्फिडेंट ग्रो होता है, हमारी टीम ग्रो हो रही है, हम साथ में ग्रो हो रहे हैं तो हम सर्वाइव करें, उससे कि हमें कॉन्फिडेंट जाता है। तो प्रॉब्लम उसमें क्या होती है, जो इसमें क्या, स्टेज ऑफ बर्थ अनसर्टनटी, अनसर्टनटी द स्टेज वेयर बिजनेस स्टार्ट टू टॉक एंड वॉक इन ऑन। तो क्या होता है कि हमारी जो टीम है वो थोड़ा सा लुक आफ्टर करने लगती है, यदि हम एक दिन ऑफिस नहीं जाते तब भी हमारा बिजनेस चलता रहता है, तो हमारी टीम बिल्ड होने लगती है, हमारी टीम बड़ी होने लगती है, पर स्टिल हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमारे पास ही होता है क्योंकि अभी टीम छोटी होती है, उसकी कंट्रोल हमारे साथ होता है। जो ऐसे कि हम अपनी मैनेजमेंट टीम को खुद ही मैनेज करते हैं, पर फिर थोड़ी देर में हम मैनेज हायर करते हैं जो टीम को मैनेज करे। तो ऐसे कि समटाइम जो हम खुद डिसीजन बनाते हैं, जहाँ हम कोई पर्सन को करते हैं कि वो हमारे लिए डिसीजन बनाए, तो इसका हमारा गोल क्या होता है, टू सर्वाइव एंड बिगिनिंग द बिल्ड अ कंपनी। तो ग्रो करना, सर्वाइव करना, बिगिनिंग अ बिल्ड अ कंपनी। अब इसको घर से करके बाहर आ गया, आप अपना ऑफिस ले लेते हैं, टीम हो जाती है, तो आपने अब कहते हैं कि मैंने इसको कंपनी बनानी है, तो ये आपका स्टेज थ्री पे हम आ जाते हैं। तो नंबर फोर, तो इसमें क्या, मैनेजमेंट स्टाइल क्या होगा, ग्रोथ एंड डिक्लाइन क्या होगा, आपको रिवॉर्ड क्या होगा। तो इसके जो नंबर फोर है वहाँ पे टीनेज, हम जवान हो जाते हैं, जो हमारा बिजनेस है वो जवान हो जाता है, जैसे उनमें बहुत एनर्जी होती है, हम बहुत खुश फील करते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी टीम ग्रो हो रही है, हमारा कैश फ्लो ग्रो हो रहा है, हमें रेवेन्यू आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसमें इस बिजनेस में हमारा गोल क्या होगा, एज अ स्टेज फोकस ऑन ग्रोथ एंड इनकम। तो हम ग्रो हो रहे, हमारा गोल है कि हमने ग्रो होना है और हमने इनकम को इनक्रीज करना है। तो मैनेजमेंट स्टाइल का क्या होगा कि हम जो मैनेजमेंट टीम है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, तो ऐसे कि जो डिसीजन है वो खुद थोड़े बनाने शुरू करते हैं। तो ग्रोथ एंड डिक्लाइन, द अर्ली स्टेज कैश, जो हमारा जो कैश है वो भी, कैश फ्लो है वो भी ग्रो हो रहा है, तो ऐसे कि वो नंबर स्टेज आपको फिगर आउट करना है कि आप कौन से बिजनेस साइकिल पर, नंबर स्टार्टिंग पे हैं और अभी सेकेंड पे हैं और थर्ड पे हैं, फोर्थ, यू हैव टू डिसाइड कि मैं किस बिजनेस साइकिल में है। जब आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ कहाँ फोकस करना है, कौन सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इससे क्या होगा, आपको मैप ईजी से बन जाएगा कि मैं कौन सी प्रॉब्लम, मैंने बहुत ही इस बुक में मैंने बहुत अच्छे से, जो हमारे बिजनेस के 10 स्टेज है, मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। प्लीज़ आप इसको रीड करना, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर बहुत डीप डिस्कशन कर सकते हैं, तो आपको मैं और अच्छी से गाइड कर सकती हूँ। तो जैसे कि जी आपकी 10 बिजनेस साइकिल है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन से बिजनेस साइकिल में हैं, तो क्योंकि आपको अभी कब आपके बिजनेस में आपको इनोवेशन चाहिए, कब आपने बिजनेस को चेंज करना है, कब अपने लीडरशिप को चेंज करना, वो जब इस 10 बिजनेस साइकिल की नॉलेज हो जाएगी, यू कैन अंडरस्टैंड वेयर आर यू नॉट वेयर यू वांट टू गो। तो सबसे पहले यदि आप इसको और डीप अंडरस्टैंड करना चाहते, यू हैव टू मस्ट आस्क अ क्वेश्चन, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो। और मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जैसे ये कंपनी है, इसके जो 10 साइकिल थे वो कैसे रहे, क्योंकि जब इसने अपने बिजनेस में इनोवेट नहीं किया, अपने प्रोडक्ट चेंज नहीं किया, तो ये बिजनेस अनसक्सेसफुल हो गया। यू हैव टू डिसाइड कि कहीं मैं तो उसी रोड पे तो नहीं हूँ। तो जैसे जी मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है एप्पल का, कि जब एप्पल था वो किसका तो फर्स्ट स्टेज पे है, उसका बर्थ कब हुआ था, मैंने एक्सप्लेन, बर्थ कब हुआ था, तो वो जो उसका सेकंड स्टेज का भाई, थर्ड स्टेज में सारा इसको बहुत डिटेल से मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन रीड थ्रू, एंड ऐसा कि कहीं आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे मुझे अपनी प्रोडक्ट को इनोवेट करना है, कहाँ की मुझे चेंज लेके आनी है, जी मुझे प्रॉब्लम इसको मैंने कैसे सॉल्व करना। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप बहुत बहुत ईजी से आप अपना एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं। तो सबसे एक अपनी बहुत अच्छी मैं आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जो ट्रिगर, जो हमारा बिजनेस है वो अनसक्सेस क्यों होता है, उनमें कौन कौन सी 7 पॉइंट होती है। सबसे पहले जब हमारी कंपनी अनसक्सेसफुल होती है, सबसे क्या होता है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो उसकी नीड नहीं रही, कंपनी का कल्चर चेंज हो गया,
इकॉनमी चेंज हो गई, जो कस्टमर है उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो जो एम्प्लॉय है उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो चेंज योर लाइफ स्टेज, तो उनकी लाइफ चेंज होगी कि चेंज इन कम, ऐसा कि यदि वो 7 पॉइंट, कहीं आपको अपना कल्चर चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, कहीं आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, यू हैव टू फिगर आउट. इससे क्या होगा, आपको बहुत ईजी से बिजनेस मैप बनाने में हेल्प होगी. तो ऐसा कि यदि इससे और आप डीप में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, यू हैव टू मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन. जब आप दिस 10 बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, तो आपने अपने को क्वेश्चन का आंसर देना कि मैं कौन से बिजनेस साइकिल में हूँ, और मैं कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, और मुझे कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, और मेरा गोल क्या है बिजनेस का. यू कैन फिगर आउट, जब ये हो जाएगा कि कहीं मैं अपना बिजनेस निगलेक्ट तो नहीं कर रहा, मैं इग्नोर तो नहीं कर रहा, जो मैंने अपनी टीम हायर कर रही है वो अच्छे से मैनेज तो नहीं कर रही, कि उनको और ट्रेनिंग चाहिए, कि वो डीमोटिवेट हो गए हैं. यू हैव टू फिगर आउट कि मुझे बिजनेस में न्यू बॉय चाहिए, मुझे बिजनेस को लीडर चेंज करने चाहिए. जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि समटाइम क्या होता है, आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, पर यदि आपके बिजनेस में रॉन्ग पीपल होते हैं, तो आपका बिजनेस को वो ठीक से नहीं चलाते. तो आपको होना चाहिए कि मुझे अपने जो बिजनेस में नए लोग लेके आने चाहिए, मुझे उनको शिफ्ट करना चाहिए, मुझे नई लीडर चाहिए. यू हैव टू थिंक वो जी आपका बिजनेस है, यू हैव टू डिसाइड कि सबसे आपका क्या गोल है, कि मैंने अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बनाना और मेरे कस्टमर की नीड को फुलफिल करना, उनकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड करनी है. तो सबसे पहले आप अपने से क्वेश्चन पूछो, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हो कि आपने कैसे आंसर देने. जैसे नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है कि वेयर आर यू इन द लाइफ साइकिल ऑफ योर बिजनेस, विच स्टेज इज योर ऑर्गेनाइजेशन करंटली एक्सपीरियंस बाय, कि आप कौन से बिजनेस साइकिल में हैं और आप कहाँ की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं. यू हैव टू आंसर दिस ऑनेस्टली. कहना दूसरा पॉइंट है वेयर इज द लाइफ साइकिल योर इंडस्ट्री, कि जो आपका बिजनेस का इंडस्ट्री है उसका कौन सा लाइफ साइकिल चल रहा है, व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ, कि आप स्टेज की लाइफ कौन सी है. तो फॉर एग्जांपल आपने बहुत सिंपल, आपको यू ऑलरेडी नो दिस, कि जैसे जब हम 19-20 के होते हैं, हमारे डिफरेंट डिसीजन होते हैं, तो डिफरेंट होता है. जब हम 30 प्लस हो जाते हैं, हमारे डिफरेंट डिसीजन होते हैं. 40, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं किस एज की साइकिल में हूँ, कि मुझे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. यू हैव टू डिसाइड कि मैं बिजनेस के किस लाइफ साइकिल में हूँ, और लाइफ के लाइफ साइकिल में क्या कहाँ पे हूँ. यू मस्ट नो दिस. तो ऐसे कि जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो सर आपको पता होना चाहिए. उससे क्या होगा, आपको जो बिजनेस मैप बनाएंगे, तो बहुत आपका जो मैप बनेगा बहुत अच्छा बनेगा. ऐसे कि यदि आपको इस आंसर में देने के यू नीड एनी हेल्प, आई एम हेयर फॉर यू, मेरे को बात कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, कि हमें जी समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको कैसे आंसर दें. आप यदि आपने आंसर लिखे तो मुझे रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है. उससे क्या होगा, जब आप ये अंडरस्टैंड कर जाएंगे क्या कहाँ पे हूँ, मेरा बिजनेस का लाइफ साइकिल कहाँ पे है, जो मेरी कस्टमर, तो मुझे कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, तो आप बहुत ईजी से एक बिजनेस पावरफुल बिजनेस मैप बना सकते हैं, बिजनेस प्लान, बिजनेस का प्लान बना सकते हैं. तो हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है पावरफुल लीडरशिप फॉर एक्सप्लोसिव ग्रोथ. यदि हमने पहले हमने मैप बना लिया, हमें पता चल गया हम किस लाइफ साइकिल में, तो दूसरा हमें ये होना चाहिए कि जो हमारे बिजनेस में वो लीडर हैं वो कैसे हैं, उनको हमें शिफ्ट करना है कि उनको यही रखना है, क्योंकि हमें खुद इसे इस सेशन में हम जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम कवर करेंगे कि लीडरशिप क्या बिजनेस में रोल प्ले करता है, वो बिजनेस को कैसे चेंज करता है, हम नेक्स्ट वीडियो में जे डिस्कस करेंगे. बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्लीज़ आप अपना होमवर्क करें. जब भी जे होमवर्क करेंगे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, एक्चुअली आप बिजनेस कहाँ क्यों कर रहे हैं, और आपको बिजनेस से क्या चाहिए, और बिजनेस के कुछ साइकिल में है. बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.